नहीं, जो ग्राम सडौला की ज़मीन है वो तो खुद के जो ओनर है उन्हीं की ज़मीन पे, पर जो ये दूसरी जो पंचायत की ज़मीन है जो अमीपर के घर है उसमें से 60% घर ये ग्राम पंचायत सडौला की ज़मीन में बने हुए हैं। अमीपुर की भी इसमें कुछ हम कह नहीं सकते, इसमें कुछ डीलर थे बाहर के जिन्होंने आके पंचायत की ज़मीन में जो गड़बड़ करी थी उन्होंने ही ये गांव के लोगों के साथ धोखाधड़ी करके ये सब करा गया। एक आदमी ने फ़ोन कराया था किसी मंत्री जी के पास, तो मंत्री जी ने जो मैडम आई थी उनको फ़ोन करके वो नपती रुकवा दी थी। सबसे पहले चाहूँगा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मेरा नाम सचिन अधाना, ग्राम पंचायत सडौला से सरपंच जी। सचिन जी, आपके गांव की लगातार शिकायतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं पंचायती जमीन पर कब्जे के जो है मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में जो है एक पैमाइश भी देखने को मिली थी, क्या था ये मामला? ये दरअसल कोर्ट में हमारा केस चल रहा था ये पंचायती ज़मीन का, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिए थे डीसी साहब को कि इसकी जांच करी जाए, तो डीसी साहब ने यहाँ पर नपती के लिए आदेश दिए थे कि इसकी पैमाइश करी जाए और जिस जिस के कब्जे उनकी रिपोर्ट दी जाए। कब कितने समय से चल रहा है ये केस? इसको 3 साल के आसपास हो गए। कौन सी ज़मीन पर कब्जा है ये? ये सारी जो ग्राम पंचायत सडौला की ज़मीन है उसमें से ये जितनी भी जो हमारे ग्राम की सड़क वड़क है उसको हटा के जितनी भी ज़मीन है उस सारी का चल रहा है। अच्छा, सारी पे कब्जा है? सारी पे कब्जा है। अब देखने को मिल रहा है जो ये घर बने हुए हैं ग्राम सडौला के, क्या ये ग्राम सडौला की ज़मीन पर नहीं है? नहीं, जो ग्राम सडौला की ज़मीन है वो तो खुद के जो ओनर है उन्हीं की ज़मीन पे, पर जो ये दूसरी जो पंचायत की ज़मीन है जो अमीपर के घर है उसमें से 60% घर ये ग्राम पंचायत सडौला की ज़मीन में बने हुए हैं। यानी कि ये विवाद जो है ग्राम पंचायत सडौला और ग्राम पंचायत अमीपुर, इन दोनों के बीच है? अमीपुर की भी इसमें कुछ हम कह नहीं सकते, इसमें कुछ डीलर थे बाहर के जिन्होंने आके पंचायत की ज़मीन में जो गड़बड़ करी थी उन्होंने ही ये गांव के लोगों के साथ धोखाधड़ी करके ये सब करा गया। अच्छा, गांव के लोग इस मामले में गुनहगार नहीं है? हाँ, उनको जो है गांव के लोग भी है, इसमें कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगा, गाँव के लोग भी इसमें है कुछ। अब क्या लगता है आपको कि उस दिन जो पैमाइश हुई तो वो रोक क्यों दी गई? सुनने में आ रहा है कि उसको रोक दिया गया, किसी नेता का फोन था एसडीएम? उस दिन हम नपती करवा रहे थे तो गांव के अंदर जा रहे थे, तो गांव के किसी एक आदमी ने फ़ोन कराया था किसी मंत्री जी के पास, तो मंत्री जी ने जो मैडम आई थी उनको फ़ोन करके वो नपती रुकवा दी थी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट। अब क्या लगता है कोई नई तारीख दी गई है? अभी तक कोई नहीं दी गई। उस दिन भी जब नपती हुई थी तो हमारे पास बिल्कुल एक दिन पहले ही शाम को एकदम फ़ोन आया कि कल की नपती है, हमें 2-3 दिन पहले, मतलब पहले कोई भी अपडेट नहीं करा। उसके बाद भी शाम को हमसे मना कर दिया कि पुलिस फोर्स नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। फिर हम जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उसके पास गए, उनसे बोला, उन्होंने बोला कि भाई ये जो गिरदावल है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वो कर दिया। फिर जब हमने दबाव दिया जब जाके मैडम ने वो पुलिस फोर्स लेके आई। क्या लगता है कि ये इतना बड़ा विवाद, जहाँ कहें कि कोर्ट के विवादों से खोरी जैसे गांव जो अवैध अनऑथराइज बने हुए थे वो टूट सकते हैं, क्या लगता है कि इस पर भी एक्शन होगा? रुकना तो ये है नहीं, कोई मंत्री इसमें जोर लगा ले या कोई भी, ये रुकना तो है नहीं। नहीं, अगर हम जायज की बात करें तो जायज में आपको क्या लगता है कि राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है इस मुद्दे को या फिर प्रशासन जो है कहीं ना कहीं? नहीं, दोनों तरफ से ही सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, क्यों राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है? तभी तो उसी दिन जो पैमाइश थी वो रोकी गई थी, नहीं तो पैमाइश में तो कोई मतलब नहीं बनता कि ऐसे रोकने के लिए। हम तो सिर्फ ये पैमाइश कर रहे हैं कि किसका कब्जा है नहीं है, लोगों ने कब्जा कर भी रखा है या नहीं कर रखा, हम तो वो चेक कर रहे थे। उसके लिए भी जो राजनीति से वो थे मंत्री, देखा जा रहा है कि जो पंचायती ज़मीन है कहीं ना कहीं उसमें जो फैक्ट्रियाँ तक लगी हुई हैं। हाँ जी, तो वो फैक्ट्रियाँ ऑथराइज हैं या अनऑथराइज हैं? ये सारी अनऑथराइज है, जिस तरीके से पंचायती जमीन में ऑथराइज है। लोगों ने, अब देखिए पंचायत की जमीन में तो चलो इन्होंने बना लिया, लेकिन इसके बाद भी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की, डीटीपी की, साथ ही और जो डिपार्टमेंट हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। क्या लगता है कि इनके पास परमिशन होगी? ये तो पता नहीं बाबू जी, इनके पास परमिशन है नहीं, पर जो भी है ये सारी सरकारी दफ्तरों की वो है। अच्छा, उनकी साठगांठ से हो रहा है सारा? हाँ जी, उनके बिना कैसे हो जाएगा? पंचायती जमीन पे फैक्ट्री कैसे लग सकती है बगैर पंचायत के परमिशन के? अच्छा, अंत में कोई अपील जो आप उनसे करना चाहें जिन्होंने पंचायती जमीन खरीदी है या पंचायती जमीन पर कब्जेदार बैठे हैं? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी पंचायती जमीन के साथ, कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई थी जो बाहर के लोग थे,
उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी, उनको नॉर्मल ज़मीन बता के और उनको पंचायती ज़मीन दे दी गई थी। तो मैं अपील करना चाहूँगा उनसे भी कि कृपया करके अपनी ज़मीन को चेक करवाई सभी लोग, और जो पैमाइश हो रही है इसको आराम से होने दें। नहीं, पैमाइश का उद्देश्य किसी के घर तोड़ना थोड़ी है। नहीं, पैमाइश से तो ये कि पैमाइश से तो हमें सिर्फ ये करना था कि किसके पास कब्जा है, किसी के पास नहीं है। पर उसमें भी गांव के लोगों ने मंत्री जी के पास फ़ोन करके और पूरा गांव इकट्ठा होके उन्होंने वो पैमाइश रुकवा दी थी।